बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस फरारी के दौरान मदद करने वालों पर भी शिकंजा कस रही है। करण मोरवाल को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने एक दिन का रिमांड मांगा है। पुलिस करण मोरवाल का साथ देने वाले नामों का जल्द खुलासा कर सकती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बिंदु हमें क्लियर करने हैं, कुछ स्पष्ट किया करना है और फैक्ट्स तलाशने हैं। उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष दो दिन का पुलिस रिमांड की बात रखी थी, तो माननीय न्यायालय के द्वारा एक दिन का पुलिस रिमांड कल शाम 4 बजे तक का हमें करण मोरवाल का दिया गया है, जो आरोपी है। तो ठीक है, न्यायालय की बात अब कैसे कही जा सकती है। पुलिस से संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, उसका कहना ये है, आप देख ही रहे हो, आप लोग सुबह से हो यहाँ पर, बाकायदा आरोपी है तो उसको कैसे कोई सहूलियत मिल सकती है, आप बताइए। वो हवालात में है, उसको यहाँ से न्यायालय ले जाया गया है, आप लोग पूरे समय सामने रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पीड़िता है, कई बार होती है कुछ परेशानियाँ, तो ठीक है, उससे बात कर ली। देखिए, जो विवेचना में कुछ बिंदु आए हैं उसके लिए तो PR हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद जो PR हमें प्रदान किया है। 6 महीने की फरारी थी, क्या आपको लगता है कि दौरान जो मदद करने वाली पुलिस उन पर भी आगे एक्शन लेगी? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है, एक इसका दोस्त जो है, जो हम लोग को ऐसा पता चला है कि वो उसका बहुत ही जिगरी है, और राहुल करके नाम है उसका, और हम लोगों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसको दोस्त मतलब मुलजिम भी है वो। पीड़िता ने अपने जब स्टेटमेंट किए थे तब उसने बताया था कि उसने इसको धमकाया है कि मैं तुझे और तेरी फैमिली को जान से ख़त्म कर दूंगा, इस टाइप का। तो उसको भी मुलजिम बनाया है और उसने प्रश्रय इसको दिया है, क्योंकि वो इसके साथ साथ ही रहा है पूरे समय, मतलब ऐसा बताते हैं, ऐसा हम लोग को वहाँ पर जब भी हम लोग गए भी हैं उस समय इसको तलाशने बड़नगर, तो हमेशा ये बात सामने आई कि इसका जो दोस्त है राहुल राठौर करके, वो उसके साथ ही रहता है पूरे समय। तो अभी तक तो यही बात सामने आई है कि प्रश्रय देने का जो काम है वो उसी का किया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।